सपना, सपना मैं जानता था तुम जरूर आओगी, तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास होगा। तुम्हारे मामा ने मेरी मां को बंदी बना लिया था, अगर मैं जुर्म कबूल ना करता तो उसे मार डालते। तुम्हारे मामा कितने झूठ बोलोगे अरुण। सपना, सातों जन्मों की कसमें खाने वाला इतना बेवफा निकलेगा ये मैं नहीं जानती थी। नहीं नहीं सपना, ऐसा मत कहो, मेरा विश्वास करो, तुम्हारी जायदाद की खातिर तुम्हारे बस मामा करो अरुण, बस। तुम खूनी हो, तुम्हारे और ज्योति के नाजायज संबंध थे। तुमने ज्योति का ही नहीं बल्कि मेरे प्यार और मेरे विश्वास का भी खून किया है। नहीं सपना, नहीं, इस अंधी तूफानी रात में बस एक तुम्हारा ही तो सहारा है। अगर तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं डूब जाऊंगा, मेरा विश्वास मत छुओ मुझे। इन्हीं हाथों से तुमने ज्योति का भी खून किया है, तुम्हें तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी से भी बढ़कर कोई सजा हो तो वो मिलनी चाहिए। समझ गया, सब समझ गया। तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई हो। तुम भी उन लोगों के साथ मिल गई हो। तुम सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो। क्या नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, समझी? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तस्वीरें अच्छी है ना सरकार, इसलिए सोचा आपको दिखा दूं। क्या चाहते हो? अमीर बनना चाहता हूं सरकार, आपकी तरह। रख लीजिए, नेगेटिव मेरे पास है। ये फोटोग्राफ्स किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। ठीक है, लेकिन अरुण को इस केस में फांसी के फंदे पर चढ़ाना तुम्हारा काम है, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। भाई साहब, कुछ ऐसा कीजिए कि अरुण अदालत में खुद ही कबूल कर ले कि ज्योति का खून उसने किया है। अगर ऐसा हुआ तो अरुण के गले में फांसी का फंदा होगा। और सपना के दिल में उसके लिए नफरत।